नमस्कार आदाब, न्यूज़ 5 एम जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नज़र डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के टेलको लक्ष्मी नगर प्रेम नगर की रहने वाली युवती की संदिग्ध परिस्थिति में मौत का मामला सामने आया था, जहां पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। वहीं युवती के भाई आकाश गोराई ने बहन की हत्या कर शव को लटकाने का मामला थाने में दर्ज कराया है। भाई ने बताया कि उसकी बहन का जन्मदिन 19 अगस्त को था, जिसके लिए वो अपनी माँ के साथ शुक्रवार को बाजार गई थी। बाजार से लौट कर वो घर आ चुकी थी। वहीं युवती की माँ बाजार से घर नहीं लौटी थी, वो उसके लिए मोबाइल खरीदने के लिए बाजार में रुक गई थी। युवती घर पहुंच चुकी थी। कुछ देर बाद ही उसकी माँ उसे फोन कर रही थी। फोन नहीं उठाने पर युवती की माँ ने पड़ोस में फोन कर देखने की बात कही। तभी पड़ोस में रह रहे परिवार ने बताया कि घर का मुख्य दरवाजा खुला हुआ है और राखी फंदे से लटकी हुई थी। उसके दोनों हाथ और पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। इसकी सूचना पड़ोसियों ने उसकी माँ को दी। तभी अन्य परिवार के सदस्य घर लौटे तो देखा कि उनकी बेटी फंदे से लटकी है और दोनों हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए हैं। आनंद फानंद में परिजनों ने युवती को फंदे से उतार कर टीएमएच पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत युवती का नाम राखी गोराई 19 वर्षीय है, वो ग्रेजुएट कॉलेज की छात्रा है। फिलहाल घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आकाश गोराई हुआ। कौन लगते हैं उनके? राखी मेरा सिस्टर है, चाचा का लड़की है। कहाँ रहते हैं? हम लोग तो मुखिया डांगा में रहते हैं। मेरे चाचा लोगों रहता लक्ष्मी नगर वाले पास। थाना आपका टेलको पड़ता है। क्या हुआ है कल? कल तो उसका परसों उसका बर्थडे था, तो उसका पहले दिन उस शॉपिंग करके घर गई हुई थी। और कपड़ा साथ पसंद नहीं आया होगा, एक्सचेंज करके कॉलेज से आके एक्सचेंज करके वो घर गए। और मेरा चाची आई थी उनके लिए मोबाइल खरीदने के लिए, सरप्राइज देने के लिए। और उसके बाद कुछ देर का बाद पता चल रहा है कि कॉल नहीं रिसीव कर रहा मेरा चाची, जब कॉल कर रहा उनको जो खाना उना खाई कि नहीं खाई। उसके बाद पता चल रहा बगल वाला कॉल किया तो बगल वाला बोल रहा नहीं ऐसे ऐसे बात है, जो फांसी लगा ली है और हाथ पर हाथ और पे पाव बांधा हुआ है। कब? हम लोग उनको करीब 1:30 बजे करीब रात में नहीं दिन में, कल दिन में दोपहर में। हाँ, फिर और उसके बाद मेरे चाचा और चाची आई और लेके आया हॉस्पिटल टीएमएच खोल के उनको। और टीएमएच में आके पता चल रहा कि वो डेथ कर गई है। और हम लोगों का संख्या है कि जो जैसे हाथ पैर बांधा हुआ है, हम लोगों का संख्या है कि उसको कोई दबा के मार के टांग टांगा हुआ। कौन मार सकता कुछ अन्य ऐसा कुछ? हम लोगों को तो इन्फॉर्म नहीं आ पा रहा अभी, लेकिन उससे कोई संख्या नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने थाना प्रभावित किए हुए थे। कितना उम्र था उनका? उनका 19 साल उम्र था। कब शादी हुई थी? शादी नहीं हुई, पढ़ाई करते थे साक्षी में कॉलेज में। कौन सा कॉलेज में? साक्षी। कौन सा कॉलेज? कौन से कॉलेज पढ़ाई करते थे? कौन सा? ग्रेजुएट कॉलेज का सेकेंड ईयर में पढ़ाई करते थे। अच्छा।